हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। आप सब लोग बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम शीना, योर एडुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर डेली करंट अफेयर्स। राइट, करंट अफेयर्स की बात हो और आपको बता दूं, पहले आपके फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपको पता है हमारे यूटी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, चाहे फिर वो जेके एसएसबी क्लास 4 हो, या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट हो, या फिर जेके बैंक का पीओ, या फिर बैंकिंग एसोसिएट्स का हो। ये नंबर आपके स्क्रीन्स पर है, करियर सक्सेस के ऑफिस का नंबर है 9419145317। आई होप आपने बात की होगी, आपने खुद को एनरोल भी किया होगा। एनरोल करने का फ़ायदा मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स यहां पर कवर करवाती हूं, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम बात करते हैं, और हाल फिलहाल में ही क्या हुआ था, वीकली क्विज भी कंडक्ट करवाया गया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कुछ ने नहीं भी किया था। So I want to tell you, if you are interested, go in the playlist, find that video, weekly current affairs नाम से वो वीडियो आपको मिलेगी। उस वीडियो में आपको questions मिलेंगे, go to that video, answer कीजिए उन questions का, और देखिए आपकी preparation track पर है या नहीं। आपको जिस तरह यहाँ पर मैं कवर करवाती हूँ करंट अफेयर, सिमिलरली बैचेस जो आप एनरोल करेंगे खुद को, उसमें भी कवर करवाया जाएगा। राइट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पर बात करके आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं खुद को, और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। आई रिपीट, अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पर आ सकती है बाय जॉइनिंग अ बैच जिसमें आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं, वीकली जो करंट अफेयर्स की क्विज़ हुई थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एज आई सेड पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर भी लिखे थे। उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं, मृणाल चारक, निशी, मोहम्मद आरिफ, संदीप, सुरभि, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कमेंट्स लिखे थे और अपना स्कोर भी लिखा था कि उनके मार्क्स कितने आए थे टोटल में से। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। वीकली करंट अफेयर्स में यू हैव रॉक्ड, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर्स। आई होप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग। राइट, चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के करंट अफेयर्स में जिस तरह जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा, और उसका राइट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एंड एज यूजुअल आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा इफ़ यू हैव गिवन द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब विदाउट टाइम वेस्टेज बात करते हैं आज के पहले सवाल की, और वो क्या है, वो है फॉर्म 26AS इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है फॉर्म 26AS एक डॉक्यूमेंट है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाता है। ऑप्शंस आर नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है ये बेसिकली फॉर्म 26A, जैसे आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं हर साल में, तो उसको ही ईज़ करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या है, एक डायरेक्शन देने के लिए ये फॉर्म इंक्लूड किया गया है, फॉर्म 26AS। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET इसकी फुल फॉर्म है, एंड इंस्टीट्यूशन अंडर विच होम मिनिस्ट्री। यू हैव टू टेल कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर जो है परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो मेरे बोलने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। जो चीज़ आप लिखते हैं वो भूलते नहीं हैं। आई एम रिपीटिंग दिस। जॉन लेविस वॉज एसोसिएटेड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है, जो ये नाम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जॉन लेविस, ही वॉज एसोसिएटेड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस आर फ्रांस,
सेकेंड वन इज़ रशिया, श्रीलंका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसने डिसाइड किया है टू क्विट विच ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करने का सोचा है. ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी. तो क्या बताना है आपको कि प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन किस इंडियन स्टेट या यूटी ने स्टार्ट कर दी है. ऑप्शन आर महाराष्ट्र, न्यू डेली, केरला या फिर पंजाब. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू डेली. न्यू डेली इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच हैज़ डेवलप्ड कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम, कॉप्स. क्या नाम है इसका? कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम. ये बेसिकली वर्क प्लेसेस के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ है प्रोटेक्शन का कोविड से, जिसका नाम है कॉप्स. इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. आपको बताना है ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किस स्टेट में लोकेटेड है. ऑप्शन आपके सामने हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल. ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ क्रॉस्ड 6 crore फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. रिसेंटली किस इंडियन पर्सनालिटीज़ ने 6 crore फॉलोअर्स का जो ये मार्क है ये क्रॉस किया है ट्विटर पर. ऑप्शन आर रणबीर कपूर, नरेंद्र मोदी, हरभजन सिंह या फिर अमित शाह. इसका राइट आंसर इफ़ आई टेल यू दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. ना यू वट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेल मी हु इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसका? ट्विटर का हेड कौन है? वॉट इज़ द नेम ऑफ द हेड ऑफ ट्विटर, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग सोशल मीडिया. किस कंट्री ने बैन कर दी है फ्री इंटरनेट सर्विसेज, क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए सोशल मीडिया. ऑप्शंस आर इंडिया, भूटान, बांग्लादेश या फिर नॉर्थ कोरिया. तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ आई टेल यू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. बांग्लादेश की कैपिटल अगर मैं आपको बता दूँ दैट इज़ ढाका. और बांग्लादेश रिसेंटली डिजिटल हार्ट के लिए भी फेमस था. डिजिटल हार्ट क्या है? सैक्रिफिशियल एनिमल्स जो होते हैं जिनकी बलि दी जाती है ओकेजन्स पर, फेस्टिवल्स पर, उनकी ट्रेडिंग के लिए डिजिटल हार्ट नाम से ये जो ऑपरेशन था, ये जो एक्सरसाइज थी, ये स्टार्ट हुई थी कहाँ? बांग्लादेश में. और इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है. अब अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि एक फॉर्मेट जो क्वेश्चंस का आता है दैट इज़ आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आपकी बाउंड्री का नाम क्या है और उसकी लेंथ क्या है, आपकी बाउंड्री की लेंथ क्या है. दिस क्वेश्चन इज़ पर्टेनिंग टू ज्योग्राफी, बेसिकली ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है. आपको मुझे बताना है बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो बाउंड्री है, राइट, इंडिया की जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपके बाउंड्रीज के साथ साथ कि क्या नाम है प्लस उसकी लेंथ क्या है, राइट. इंडिया की बाउंड्री जो बांग्लादेश के साथ है, व्हाट इज़ द लेंथ, आपको बताना है उसकी लेंथ क्या है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन located. You have to tell कि International Trade Union Confederation का जो headquarters है वो कहाँ है. Options आपके सामने हैं न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, जिनेवा या फिर बर्लिन. ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको दे दूँ तो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ब्रुसेल्स. ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल है वॉट? ब्रुसेल्स. इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन इट, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि क्या है, आपको अगर इसमें दिक्कत आती है, अगर आप सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, मेंस लेवल में, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है. क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम रिपीटिंग दिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, और उनके हेडक्वार्टर्स. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर ऑलरेडी ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाया गया है, आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाया गया है. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है प्लेलिस्ट में और ये ट्रिक्स के थ्रू आपको समझना है. आपको ऑलरेडी मेरी एक वीडियो वहाँ मिलेगी, जस्ट गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो.
क्वेश्चन 9th इज जॉन रैम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. जॉन रैम एक पर्सनालिटी हैं और वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, यू हैव टू टेल दैट. ऑप्शंस आर रेसिंग गोल्फ रेसलिंग या फिर आर्चरी. तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्फ. ठीक है, गोल्फ अगर आपको पसंद है, अगर आप फॉलो करते हैं या फिर आपने करंट अफेयर्स पहले ट्रैक किए होंगे, तो आपको पता है गोल्फ की दुनिया का जो बादशाह है वो कौन है, टाइगर वुड्स. ठीक है, टाइगर वुड्स एक नाम है जो गोल्फ के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं. क्वेश्चन नंबर 10th इज ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम GSP इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ई कॉमर्स कंपनी. ऑप्शंस आर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन या फिर शीन. एक इनिशिएटिव है किस नाम से, GSP नाम से, ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम GSP. आपको बताना है ये किस ई कॉमर्स कंपनी का इनिशिएटिव है. ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन या फिर शीन. इसका राइट आंसर बता दूँ तो ऑप्शन नंबर सी है, अमेजॉन. ठीक है, आपको बता दूं अमेज़ॉन का हेड कौन है, उनका नाम है जेफ़ बेजोस. क्या है, जेफ़ बेजोस, एंड ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द ग्लोब. जेफ़ बेजोस उनका नाम है. मैं कोशिश करती हूँ आपको ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करती रहूँ, सो दैट आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन तो स्ट्रांग बनता ही बनता है इससे, पर इसके साथ साथ जो आपका स्टैटिक GK का पोर्शन है वो भी, उसमें भी थोड़ा इजाफा हो, आपकी नॉलेज उसमें भी बढ़े. चलिए अब हम आ गए हैं लेट्स सी हू नोस क्वेश्चन पे. आपको बता दूँ ये क्वेश्चन डेली आपसे पूछा जाता है और इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है लेट्स सी हू नोस. देखते हैं किसे पता है इसका आंसर. अगर आपको पता है आपको कमेंट सेक्शन में जाना है. यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू यू. जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या है. ठीक है, तो आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट. आपको बताना है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, हमारी कंट्री में किस यूटी या किस स्टेट का इनिशिएटिव है. ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब या फिर हरियाणा. ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर. अब आपको बता दूं इनकी कैपिटल्स. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. दिल्ली आपको पता है इज़ द नेशनल कैपिटल. इंडिया की कैपिटल है. पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ एंड हरियाणा की भी है चंडीगढ़. अगेन अगर आपको स्टेट्स कैपिटल्स में भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपके लिए क्या किया है, ट्रिक्स बना के आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की है. ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. स्टेट्स और कैपिटल्स नाम से अगर आप सर्च करेंगे ट्रिक्स, तो हमारी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको क्लियर कट समझाया है कि ट्रिक्स के थ्रू कैसे इन्हें याद रखा जा सके. राइट, आई होप आपका ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा. आपके जो भी कॉमेंट्स हैं, जो भी सजेशन या फीडबैक्स हैं, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. I shall read all those comments and I'll try to work upon those comments. या फिर जैसी आपकी suggestions होंगी या जो होंगी, I shall work on that. Till then, take very good care of yourself. I am Sheena signing off. Thank you so much.